हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि टर्म इंश्योरेंस का आप प्रीमियम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी सब सबके लिए अलग अलग प्रीमियम होता है। ये डिपेंड करता है आपकी एज पे। जिसकी एज कम होगी उसके लिए प्रीमियम कम होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। सो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको गूगल पे जाके सर्च मारना है पॉलिसी बाजार टर्म इंश्योरेंस। तो पॉलिसी बाजार में आपको सारे टर्म इंश्योरेंस मिलते हैं, तो हम पॉलिसी बाजार में ही जाके अपना प्रीमियम चेक करेंगे सबके लिए। जस्ट जो आपको पहला जो खुलेगा पॉलिसी बाजार टर्म प्लान, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक पॉलिसी बाजार का पोर्टफोलियो खुल के आएगा, ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आप अपना सेक्स जो है वो सिलेक्ट कीजिए, नेम सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, फोन नंबर डालिए और उसको उसको क्लिक कीजिए। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका ये प्लान जो है वो सारे प्लान का प्रीमियम आपके सामने आ गया। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए ये मेरा प्लान दिखा रहा है, पर आप अपनी सेटिंग भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आप को प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया, नाम, आप स्मोक नहीं करते हो, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है, आप ग्रेजुएट हो, सैलरीड हो और पिन कोड डालोगे तो सेव करोगे तो आपका ये सेव हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अभी जैसे देखिए यहाँ पे मैंने डाला है कि 1 करोड़। अगर मुझे यहाँ पे 2 करोड़ का प्रीमियम डालना है तो मैं 2 करोड़ या 1.5 करोड़ का डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम चेंज हो जाएगा। और अगर मैं एज भी बढ़ाता हूँ कि मुझे 65 साल तक चाहिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबका जो है वो प्रीमियम चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जितनी जितनी एज तक आपको कवर चाहिए वहाँ तक आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वहाँ वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। और जैसे ही आप लाइफ कवर की जो राशि है उसको भी बढ़ाते जाओगे तो भी आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ता जाएगा। और तीसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है वो है आपकी एक्चुअल एज। अगर आपकी एक्चुअल एज 28 है तो जो प्रीमियम कम हो जाएगा। मान लो कि मैं अभी इसको एज को कम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने एज को 92 कर दिया, अभी आप देख सकते हो कि मेरा प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रीमियम कम हो जाएगा एज के हिसाब से। और दूसरा प्रीमियम आपका कम होगा अगर आप कम एज तक कवर लेते हैं, और तीसरा अगर आप कवर कम ले लेते हैं, 1.5 करोड़ की जगह अगर 1 करोड़ ले लेते हैं आप, तो आपका प्रीमियम तब भी क्या है कम हो जाएगा। जैसे अभी मैं इसका 1 करोड़ करने वाला हूँ तो 1900 का हमारा जो है वो 1200 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से आपका आप अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।